सादर प्रणाम। जदा जदा ही धर्मस्यर जेबे जेबे ध्वनि आसी तदात्मन सृजामयंग्र तुम्हें टेक रखिच क्षुद्र मत्स्य होई तुम्हें असीम शक्ति देखाई छोटर बड़ होई विश्वर क्रमिक विकास करिच। एक क्षुद्र जीव थिला मत्स्य किंतु जेबे क्षमता तुमठारु पाइला एवं निरंतर बढ़ी बढ़ी स्थिति बड़ होइगला। कृपा तुमर हो जाए तो अणुमध्य विभुवनी जाए पारसर संपर्क तुमर लुहा सुवर्ण हो जाए। जेबे जेबे मनुष्य बेक हराए तुम्हें उपस्थित होता एवं ताकु कल्याण प्रदायी पथ दर्शाऊ थाओ। मत्स्य रूप रखी महान हेबार कला शिखाइछ तदात्मन सृजामयंग्र तुम्हें टेक रखिच। लेखिका माया शर्मा। पुस्तकर नाम युग पुरुषंग विदाय। पुस्तक परिचय। एही पुस्तकटी से ही गीतगुड़िकर संकलन अटे जहाँकि लेखकर 1971 मसीह मथुरार विदाय समय लेखा जाइला। एही पुस्तकर प्रस्तावना माया शर्मा लिखिंट जहाँ अधिकांश गीत एथिरे समाविष्ट होइछि। गीतगुड़िकर गायत्री परिवार सदस्य मानकर विरह वेदनार भाव दृष्टिगोचर होइछि जहाँ से माने पूज्य गुरुजी विदाय समय अनुभव करिथिले। एहा सहित आचार्य श्रीकर अवतारी पुरुष हेबार एवं तांकर महान कार्यगुड़िकर महिमा गाथा को निज शैली रे व्याख्या करिवार मध्य चेष्टा लेखिकांकर रहिछि। से कुहंती कौनसी बड़ उच्च प्रतिमा निकट में ठिया हेले आम मात्र से ही अंश को देखिपारती जहाँ ठीक आम आखि सामने रही थाए। प्रतिमार समग्र अंग प्रत्यंग जदि देखिबार थाए ताहले आमको दूर से छिड़ा हुई देखिबार आवश्यकता रही। पूज्य आचार्य श्री विशाल व्यक्तित्व केते व्यापक अटे ताहार प्रकृत हिसाब निकाश तो से चलीगला पर ही लगा जाई पारिबो तथापि मध्य सेतिकी आम सम्मुखरे स्पष्ट हो सारी जहाँ एतिकी जे जहाँ तांकु एक युगपुरुष अवतारी महामानव ब्रह्मर्षि तथा दिव्यात्मा मानिबा पई पर्याप्त अटे। से आहुरी लेखंती एहा हमर परम सौभाग्य अटे जे एक लंबा अवधि पर्यंत आमे एही अलौकिक विभूतिक व्यक्तित्वर संपर्क रे रहिछंती किंतु जेबे एहा भावुछंती जे अग्निपुंज निकटरे पशी मध्य आमे निजर रक्त को थंडा रखिचे ताहले आंतरिक वेदनारे आत्मा कांदी उठे। विदायर समय बड़ हृदय विदारक अटे आमको मध्य विच्छेद हेबार अपार वेदना होइछि एवं पूज्य आचार्यंकर कोमल भावुक हृदय को मध्य कम आघात प्राप्त होना। सामान्य कन्या विदा हेले रास्तार चलुवा लोक मान हृदय भावविहल हो जाए किंतु यही विच्छेदर एक सृजनर सूत्रपात हुए। आमे कामना करूचे विदायर यही हृदय स्पंदन भाई स्पंदित क्षण मध्य एक नुआ सृजनर सूत्रपात ही सिद्ध हो। विदायर यही पुण्य बेलें तांक प्रति जागृत होइतिबा सहज उद्गार गुड़ी कविताबद्ध करदेवारे निजर उत्कंठा को रोकि पारिली नाही एवं अनुभूतिर एक छोट निर्जरणी भितर फुटी पड़ा। पंक्ति परे पंक्ति लेखि चलिली से ही पंक्ति गुड़िकर गोटे गोटे अक्षर से ही अनुभूति गुड़िकर गुंथन अच्छी जहाँ को देखा बुझा पर सहज अंतरंग जमी जा मु भावुछि एही अनुभूति गुड़िक मात्र मोर नुहे तांका संपर्क रे आसीथिबा कौनसी भी व्यक्तिर एपरि ही होइथिबो जेपरि निज अनुभूति गुड़िक व्यक्त करी लेखकर मन हालका हुए सेहीपरि अन्य माने मध्य एही पंक्ति गुड़िक गुणगुणेबा समय रे तांका परि अलौकिक अनुभूतिर आनंद नेबे। एही मान्यता कारण सहज सरस भावरे स्वतः प्रवृत्त शब्दबद्ध अनुभूति गुड़िक प्रकाशित होइछि। एही गीत गुड़िकर भावना को बुझी ताल सुर रे गाई परिले एहा अद्भुत होइजिबो। पुस्तकरु किछि काव्यात्मक अंश। एबे समय आसिला आमर स्नेहर मूल्य देबा कथा अधुरा रहिछि जहाँ ताकु सबु मिसी बनाइबा
ସେ ଆମକୁ ଦେଖାଇଥିବା ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ଚରଣରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବା, ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆସ ନେବା, ବିଶ୍ୱାସର ଉପହାର ଦିଅ, ଆମେ ଦେବା ବିଦାୟ ଆମ ପରମଙ୍କୁ, ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭଳି ଯିଏ ମିଶିଯାଉଅଛି ବିଦାୟ କ୍ଷଣ ତାଙ୍କର ଏବେ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି, କରିବାକୁ ସାକାର ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାଣର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏକ ପରମାର୍ଥୀ ଆଜି ଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷରେ ତପିବାକୁ, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କଟାଇଲେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ ସାଧନାର ଅଗ୍ନିରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ରାତିଦିନ ଜଳାଇ ଲେଖି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଲିଭାଇଲେ, ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧନିଶାକୁ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଦେଲେ ସେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥକୁ, ଏବେ ଡାକ ତୁମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସ ଆସି ହାତ ବଢ଼ାଅ, ନିଜର ବଳି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଜଗତକୁ ନବଜୀବନ ଦେଇଯାଅ, ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତ ମନେ ରଖିବ ତୁମର ଏହି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆଶାର ଦୀପ ଜଳାଇ ସେ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି ଆଜି ତୁମକୁ, ସେ ଚାଲିଲା ତାକୁ ଡାକିଲେଣି ମହାକାଳ, ଦେଖିବ ଯେପରି ନଲିଭେ କ୍ରାନ୍ତିର ମଶାଲ, ପ୍ରକାଶରେ ହେ ଅଗ୍ରଦୂତ ବଢ଼ି ଚାଲ, ଅନ୍ଧକାର ଘେରିଛି ପ୍ରଦୀପ ହୋଇ ଚଳ, ନ ନ ଯେମିତି ସଗର୍ବେ ଉଠିଥିବା ଏହି କ୍ରମ, ଦେଖିବ ଯେପରି ନଲିଭେ କ୍ରାନ୍ତିର ମଶାଲ। ପୁସ୍ତକର କିଛି କାବ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ତୁମେ କ୍ରାନ୍ତିର ମଶାଲ ଜଳାଇଲ, ତୁମକୁ ଧରା ନମନ କରୁଛି, ସବୁକିଛି ଦେଇ ସେ ଯାଉଛି, ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥା, ନିରନ୍ତର ନିଆଁ ଜଳାଓ। ପ୍ରେରଣା ସ୍ରୋତ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଲେଖିକା ମାୟା ଶର୍ମା, ଶିଷ୍ୟା ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ।